जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव खगड़िया पहुंचे। इस दौरान पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 13 मार्च को पूरे बिहार में एक भी ट्रेन नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 13 मार्च को किसानों के पक्ष में आंदोलन होगा और वे खुद पटना जंक्शन पर जाकर ट्रेन का परिचालन बंद करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव में उनकी पार्टी ममता बनर्जी को जीत दिलाने के लिए बंगाल भी जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव खगड़िया पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 13 मार्च को पूरे बिहार में एक भी ट्रेन नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 13 मार्च को किसानों के पक्ष में आंदोलन होगा और वे खुद पटना जंक्शन पर जाकर ट्रेन का परिचालन बंद करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव में उनकी पार्टी ममता बनर्जी को जीत दिलाने के लिए बंगाल भी जाएगी। तो आपको फिर से बता दें कि 13 मार्च को पूरे बिहार में एक भी ट्रेन चलने नहीं दी जाएगी। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, पप्पू यादव खगड़िया पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि 13 मार्च को वो किसानों के पक्ष में आंदोलन करेंगे और 13 मार्च को सारी ट्रेनों का परिचालन वे खुद पटना जंक्शन पर पहुंचकर बंद कर देंगे। इस पे और क्या कुछ कहना उनका, क्या मतलब 13 मार्च को ये जो होने वाला है आंदोलन, ये सफलतापूर्वक हो पाएगा? जी, बताएं कि आज जो वो जो दीवार जो गिरने से जो 6 आदमी की मौत हुई थी, उसी विषय को लेकर के वो आए थे उनके परिजन से मुलाकात करने के लिए। उसी बीच जो है वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ये ऐलान किया है कि जो है 13 मार्च को जो है वो किसान आंदोलन करेंगे और किसान को मुद्दा को लेकर के जो है पटना जंक्शन पे खुद जा करके अपने कार्यकर्ता के साथ जो है करेंगे, बंद का आह्वान करेंगे और ट्रेन परिचालन को बंद करेंगे। जी हम जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया राजीव। तो आपको एक बार फिर बता दें कि पप्पू यादव ने कहा है कि 13 मार्च को वो पूरे बिहार में सभी ट्रेनों का परिचालन बंद कर देंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पार्टी बंगाल जाकर वहां हो रहे चुनाव में ममता बनर्जी का समर्थन भी करने वाली है।